बहुत ही प्यार भरी मिठी ते निघी सत श्री अकाल सारे व्यूअर्स नू, सारे दोस्तों नू, सारे श्रोतियों नू, हर उस इंसान नू जिथे तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मेरी ध्वनि पहुँच रही है। कल 26 मई है जिसनू रोस दिवस के रूप च मनाया जा रहा है साढ़े अपने देश के अन्नदाता द्वारा, किसानों द्वारा। 26 मई रोस दिवस के रूप च क्यों मनाया जा रहा है किसानों द्वारा, की कारण है कि उन्होंने इस रोस रूप मनाना पै रहा है। इस दिन 6 महीने हो गए ने किसानों, 6 महीने हो गए ने साडे देश के अन्नदाता दिल्ली की बरूहां ते बैठे हुए, दिल्ली के बॉर्डर ते बैठे हुए, अज तक उन्हां दी सुनवाई नहीं हुई। 2 कदम ते बैठे ने साडे देश दे प्रधानमंत्री, साडी पार्लियामेंट, साडी सेंटर सरकार, जिहड़ी उन्हां दी आवाज़ नहीं सुन पाई। तो रोस किस लिए है? लोकतंत्र दे विच इस देश का नागरिक जिहड़ा अन्नदाता भी है, जिन्हों आपां किसान भी कहिंदे हन, वो कुछ अपनी डिमांड लैके बैठा है दिल्ली दी बरूहां ते, दिल्ली दे बॉर्डर ते, पर अज तक उहदी आवाज़ नहीं सुनी गई, उन्हां दी डिमांड नहीं सुनी गई। इत्थे तक कि गवर्नमेंट ने पिछले 4 महीने तो यह भी नहीं जरूरी समझिया कि उन्हां नाल गल की जाए। इस चीज़ का रोष है उन्हां नूं, सिर्फ किसानों नूं रोष नहीं है, किस सिर्फ अन्नदाता नूं रोष नहीं है, साडे वर्गे आम इंसानों नूं भी रोष है, जिहदा किसानों का कोई लेना देना नहीं है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई नौकरी पेशा है, चाहे कोई गवर्नमेंट सर्विस है, चाहे प्राइवेट सर्विस है। 6 महीने तो बैठे ने और कल 6 महीने पूरे होने जा रहे ने। उस 6 महीने बाद दे दिन नूं ओ काला दिवस मनान जा रहे ने। मैं तुहाडे सामने अज काले कपड़े सामने आया, नेरे सामने आया, किस चीज़ का नेरा है? ये उस चीज़ का नेरा है कि बुद्धि दे भ्रष्ट हो चुकी है, या लोकतंत्र की मान्यता उन्नी नहीं रही, उस स्तर नहीं रहा कि उन्हें लोकतंत्र कहा जा सके। क्यों? लोकतंत्र च लोगों की आवाज़ सुनी जाती है, उत्थे दे नागरिकां दी आवाज़ सुनी जा रही है। कि इत्थे दे नागरिकां दी आवाज़ सुनी जा रही है? क्या अन्नदाता साडा किसान इस देश का नागरिक नहीं है कि वह सरकार का फर्ज नहीं बनता कि उसकी आवाज़ सुने? नहीं आवाज़ सुन रही, इसलिए उन्होंने रोस दिवस के मनाया जा रहा है। कल काले झंडे लगाए जा रहे हैं किसानों द्वारा, और किसानों की अपील है, काफ़ी अपील आई हैं किसानों द्वारा कि सिर्फ असी काले झंडे ना लगाइए, देश का हर नागरिक काले झंडे लगावे अपनी दुकान पर, अपने कारोबारी स्थल पर, अपने घर के उपर, अपने घर की छत पर। सो देश दियां ओ रूहां जिहड़ियां किसानों के नाल हन, जिहड़ी किसानों का दुख दर्द समझदियां हन, जिहड़ी उन्हां दे दुख दे विच उन्हां दे नाल हन, जिहड़ी उन्हां दी तकलीफ च उन्हां दे नाल हन, जिहड़ी ये समझदियां कि किसान अगर उत्थे दिल्ली दी बरूहां ते बैठे ने, अगर सरकार उन्हां दी आवाज़ नहीं बैठी तो वह उत्थे ही बैठे रहन, कदों आवाज़ पहुँचेगी सरकार तक? नहीं आवाज़ पहुँच रही, इसलिए उन्होंने अपील है कि 6 महीने एक ईवेंट के तौर पर असं मना रहे हैं, इनू एक काला दिवस का नाम दे रहे हैं। उस ईवेंट नूं क्यों काला दिवस का नाम दे रहे हैं आप डिस्कस कर चुके हैं। हुण मेरी आवाज़ जिस दी रूह तक पहुँच रही है, किस दे दिल तक पहुँच रही है, जिसकी आत्मा तक पहुँच रही है, वो इस काला दिवस नूं मनाने लई किसानों के नाल राजी हो सकता है, क्योंकि किसानों की डिमांड है। मेरी डिमांड नहीं है, किसानों की डिमांड है, बट मैं उन्हां दी डिमांड नूं जायज़ समझदा हाँ, उन्हां दी मांग नूं जायज़ समझदा हाँ। सो साढ़े फगवाड़ा के कुछ शहर वासी जिहड़े उन्हां दे नाल खड़े ने, उन्होंने तय किया है कि सवेरे 9:30 बजे GT रोड फगवाड़ा ते नियर पूनम होटल, नियर वालिया ट्रांसपोर्ट इकट्ठा हो रहे ने ठीक सवेरे 9:30 बजे। जिहड़ियां रूहां किसानों के नाल खड़िया ने उत्थे खड़े दिखनगियां, जिन्हां दी रूह की आवाज़ उत्थे तक पहुंची है उत्थे खड़े दिखनगियां। क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन फगवाड़ा के प्रधान अशोक कुलथम जी ने भी अलग अलग ग्रुपां जे अपील की है कि 9:30 बजे उत्थे पहुँचो, तुसी 9:30 बजे कित्थे पहुँचो? वालिया ट्रांसपोर्ट के नज़दीक, पूनम होटल के नज़दीक पहुँचो और किसानों के नाल खड़े होवो, उन्होंने रोस के नाल खड़े होवो और ये रोस सेंटर गवर्नमेंट तक पहुँचाओ अपना। सो और क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन फगवाड़ा ने यह भी डिसाइड किया है कि वह रोस के उत्थे शामिल हो के अपनी अपनी दुकानों के बाहर आएंगे, गांधी चौंक के नज़दीक आएंगे, उत्थे अपनी अपनी दुकानों के बाहर काले झंडे भी लगाए जाएंगे, अपने घर के बाहर भी काले झंडे लगाए जाएंगे। सो बाकी नागरिक पूरे देश के दे या शहर के जड़े भी इस चीज़ के क्लॉथ मर्चेंट एसोसीएशन फगवाड़ा के नाल खड़े होंगे उत्थे दिखेंगे,
9:30 सवेरे और अपनी अपनी दुकानों के बाहर काले झंडे भी निकाल के अपना वो प्रकट करेंगे। असं ये नहीं कह रहे कि तुम करो, बट जे होंगे करे कि वह अपील है। साडा मीडिया का फर्ज है जी लोगों की अपील है, और किसान साढ़े नागरिक हैं, और किसानों की अपील देश की जनता तक पहुँचानी हर एक मीडिया का एक जर्नलिस्ट का फर्ज बनता है। और असं अपना फर्ज निभाते हुए जो किसानों की अपील है तुहाडे तक पहुँचा रहे हैं। अगर तुहाडे तक पहुँच रही है तो तुम उन्हें मान सकते हो, अगर तुहाडे तक नहीं हो पहुँच रही तो तुम नहीं मान सकते। सो साडा फर्ज से अपील करना असं कर देती है। सवेरे 9:30 26 मई 2021 शहर फगवाड़ा नियर पूलम होटल रोज दिवस किसानों के नाल खड़े हुए जिहड़े लोग किसानों के नाल खड़े होंगे वो कमेंट पा सकते हैं, अपना साथ जाहिर कर सकते हैं। सो ये आवाज़ तुहाडे तक पहुँच रही है मनु अरोड़ा द्वारा, माध्यम है सिर्फ मनु अरोड़ा जो किसानों की आत्मा की आवाज़ तुहाडे तक पहुँचा रहा है। गुड नाइट।